हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो होने जा रहा है हमारा टाटा नेक्सॉन में जो हमने एग्जॉस्ट लगवाया था, ये रीमस वाला डुअल टिप, जिसका आपने वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिली जाएगी। तो बहुत सारे लोगों क्वेश्चन ये थे कि आपको क्या क्या दिक्कत है इस एग्जॉस्ट के साथ में, तो उन दिक्कतों के ऊपर होने वाला वीडियो, जिसमें हम पुलिस की दिक्कत, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुई, वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम और हर चीज़ को इंक्लूड करने वाले हैं। और कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, दो या तीन मैक्सिमम पॉइंट रहेंगे, बट वो बहुत मेजर पॉइंट रहेंगे तीनों। और क्या क्या नुकसान भी हुआ कुछ गाड़ी के अंदर उस चीज़ से, तो वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पुलिस का चक्कर। तो भैया पुलिस का चक्कर का क्या सीन रहा, तो आपको बता देता हूं मैं। तो पुलिस का चक्कर जो रहा वो ऐसा रहा कुछ कि कोई भी चक्कर नहीं रहा पुलिस का। और मैंने मतलब ये मानो एग्जॉस्ट, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी वॉलेट्रॉनिक है, आप सबको पता ही होगा, तो वॉलेट्रॉनिक में आप बंद कर सकते हो, आपके पास रिमोट रहता है जो कि मेरे पास मेरा ये वाला ये यहाँ पर रखा हुआ, ऑफ कर सकते हो। बट ऑन करने के बावजूद भी पुलिस वाले नहीं रोकते हैं। तो मतलब अभी इतना कुछ स्ट्रिक्ट है नहीं चीज के ऊपर कि आपकी गाड़ी के अंदर, की बाइक्स वगैरह तो पकड़ते हैं बट गाड़ियों को मुझे लगता नहीं पकड़ना स्टार्ट किया अभी तक। तो कम से कम राजस्थान में तो अभी तक ऐसे कोई चीज स्टार्ट हुई नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज है और होनी भी नहीं चाहिए। और दिल्ली के अंदर भी मैंने अभी तक ऐसी कोई चीज सुनी नहीं हुई। दिल्ली के अंदर तो बहुत ज्यादा काम होता है एग्जॉस्ट का, और लाउड एग्जॉस्ट का काम होता है, महंगी महंगी गाड़ियों के अंदर एग्जॉस्ट लगता है। तो नेक्सॉन, बैलेनो तो छोटी गाड़ियां इतनी ज्यादा आवाज नहीं कर पाती, उससे ज्यादा भी आवाज करने वाली गाड़ी है। तो पुलिस वाली कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, और राजस्थान में मतलब दिल्ली का भी सुना नहीं अभी तक कोई केस अपन ने कोई, और राजस्थान में तो मेरे कोई दिक्कत हुई नहीं अभी तक, क्योंकि आपके हाथ में रिमोट है, होनी ही नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करवानी है दिक्कत हो रखो। हाँ, आपको अगर ऐसे प्रॉब्लम करवानी है कि मेरे को तो पकड़ो ही, तो आगे पुलिस वाले समझा कि करवा दो बहुत तो पकड़ ही लेगा आपको। बट ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, तो पुलिस वाली कोई टेंशन नहीं रही। दूसरी बात एक चीज और इंक्लूड करता हूं इसी के साथ में कि भाई एग्जॉस्ट आपने लगा हुआ है आपकी गाड़ी के अंदर, ब्रांडेड एग्जॉस्ट लगा हुआ है, मतलब ब्रांडेड नहीं हो के जो भी मतलब लिखा हुआ है एग्जॉस्ट का नाम लिखा हुआ है, आप गाड़ी आवाज थोड़ी लाउड भी आपकी, बट पुलिस वाले नहीं पकड़ते हैं आपको। अगर आप उनके सामने जाके ही करते हो तो इलीगल वाला इशू जो आता है कि भाई आपने इलीगल मॉडिफिकेशन करवा रखा है। तो अभी तक मैंने तो कहीं भी ना तो कहीं देखा अभी तक मैंने गाड़ी के रिलेटेड, बाइक के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि लीगल है इलीगल है एग्जॉस्ट, तो अभी तक सब कुछ लीगल है। और एक चीज और इंक्लूड करते हैं साथ के अंदर कि लगाना और हटवाना ये चीज इलीगल और लीगल नहीं है। लीगल जो लीगल चीज है वो ये है कि आपकी गाड़ी कितनी लाउड है और कितनी आवाज आप करवा रहे हो और कहां पे करवा रहे हो। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। सेकंड पॉइंट जो अपने को जो मुझे दिक्कत आई और जिसके से नेक्सॉन में नुकसान हो गया या होता होता बचा, मानो आप क्योंकि मेजर नुकसान था वो होता होता बचा था। तो दिक्कत कुछ ऐसी आई कि जो अपने एग्जॉस्ट का जो लास्ट वाला पार्ट होता है जिसको मफलर भी कहते हैं, उससे पहले अपनी गाड़ी के अंदर ये चीज आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाते हुए बता दूंगा। तो कनेक्टिंग रॉड जो रहती है दोनों टायरों की, उसके ऊपर की भी बंप आता है, वो शॉकर उसके ऊपर लगा रहता है। तो जैसे आपकी गाड़ी मूव करेगी तो आप मतलब जो अपनी खड्डों वड्डों में जाती है तो शॉकर सीधी जाते मूव करता है। अब हुआ क्या चक्कर कि ये जो माउंट होता है वो अपने ऊपर वाली बॉडी के अंदर होता है और आपकी जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो स्टेबल रहती है जगह पे। और इन्होंने क्या है वहां पर एग्जॉस्ट के ऊपर या तो यू शेप नहीं दिया है, बैंड पाइप नहीं लगाया, उसकी वजह से क्या होता है वो जो एग्जॉस्ट था अपना वो टच कर रहा था मेरे कनेक्टिंग रोड को। तो सिंगल बंदे में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बट जैसे ही तीन बंदे बैठ रहे थे, मतलब पीछे की तरफ एक बंदा ही बैठ रहा था, थोड़ा वो सामान भी रखा जा रहा था पीछे, तो वो चीज है टच हो रही थी मेरी कनेक्टिंग रोड को। और सबसे बुरी बात ये कि उसी के ऊपर ABS की लाइन और ब्रेक लाइन थी, जो ब्रेक लाइन और ABS लाइन इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर वो फेल होता तो आपको पता है चल स्पीड के अंदर ऐसी कोई चीज हो जाए तो आप ब्रेक लगा, आपको इंस्टेंटली तो पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी में दिक्कत हुई और आप चलाओगे और गाड़ी इस टाइम ब्रेक ना माने तो फिर क्या होगा, तो अभी समझ सकते हो एक्सीडेंट वगैरह होने की चांसेस थे पूरे। तो अभी आप एक बार आपको बाहर जाके दिखा दो ढंग से क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो ये जो अपना एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट जहां से पुल की आगे से आ रहा है एग्जॉस्ट, तो अपने टायर की दोनों टायर की जो कनेक्टिंग रॉड है आपको दिख रही है वाली, जो यहाँ से पूरी जा रही है ब्लैक कलर की, ये लंबी सी जो दिख रही है, तो इस कनेक्टिंग रोड के ऊपर टच हो रहा था क्योंकि ये इसके ऊपर से बम्प मिलना चाहिए था इसके एग्जॉस्ट को, बट वो इतना ज्यादा था नहीं पहले जो दिख रहा है। अभी वाला ये काम होने के बाद का वीडियो है, तो आपको थोड़ा बम्प दिख रहा होगा यहाँ पे। और एक गंदी चीज और बताता हूँ आपको इसके बारे में कि अपने जो ये कनेक्टिंग रोड है इसके जस्ट ऊपर, जो यहाँ से विजिबल नहीं है, आपको साइड से दिखाता हूँ वो चीज में। ये देखिए आपको दिख रहा हो कनेक्टिंग रोड के ऊपर एक तो ABS वाली जा रही है और ऊपर एक ही साथ में ये ब्रेक लाइन जा रही है यहाँ से, और जो एग्जॉस्ट का पाइप था वो इस पर टच कर दिया करता था, तो उसकी वजह से दिक्कत क्या क्या आती थी बताता हूँ आपको, मतलब बाद की दिक्कतें तो हो ही सकती थी बड़ी, तो आप देख लो और एक बार बाहर की तरफ आओ फिर बताता हूँ आपको। तेरी आवाज मर गई होगी। ये वाला जो बैंड दिख रहा है अभी वाला, ये जरूरी था, ये वाला पार्ट इसके टच होता था ऊपर जब ये सस्पेंशन ट्रैवल करता था ऊपर, तो ये यहाँ टच होता था, तो ये पहले सीधा था स्ट्रेट,
तो हुआ क्या कि इस प्रॉब्लम को लेके मैं जहाँ से मैंने काम करवाया था वहां पर गया, और वहां पे जाके जब बात करी तो इनके पास में बैंड पाइप करने का कोई ऑप्शन था नहीं, और मैंने ट्राई किया जयपुर में और भी जगह पर, कहीं पे कुछ काम नहीं हुआ। तो फाइनली डिसाइड ये कर पाया मैं कि दिल्ली जाके करवाना पड़ेगा। तो अपने को क्योंकि थोड़ा काम भी था दिल्ली के अंदर, तो और मेन अपना काम ये भी था, तो दोनों काम की वजह से मैं दिल्ली जाना डिसाइड किया। और अगर मैं मेरा सिर्फ काम होता तो मैं इस गाड़ी को लेकर नहीं जाता, क्योंकि ये गाड़ी ये टच कर रही थी बार बार, तो मुझे डर था। तो इसलिए मुझे रस्ते के अंदर बहुत टाइम लग गया डेली जाने में, क्योंकि खड्डों के अंदर बहुत आराम से निकालना पड़ रहा था। अदरवाइज वो ब्रेक लाइन डैमेज होती तो मुझे पता है कि ब्रेक लगते नहीं, हाईवे का टाइम और था, इसलिए मैंने बहुत आराम से जाना पड़ा मुझे। सबको पता है इसमें ये ईएसपी काम करता नहीं ढंग से, पकड़ती है सबसे पहले। तो दिल्ली में गया था, दिल्ली के दो ही अपने बंदे फेमस हैं साइलेंसर वाले, तो उन्हीं के पास में गया गाड़ी काम करवाने, और उनसे मैंने काम करवाया। उनके पास मुझे बैंड पाइप मिल गई थी, तो थोड़ा सा खर्चा जरूर पड़ गया, तो 1500 रुपए खर्चा और एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि काम इतना का था नहीं, बट उन्होंने 1500 रुपए मांगा क्योंकि अपना काम जरूरी था, तो इसलिए और जल्दी करवाना था मुझे, इसलिए मैंने 1500 रुपए भी पे कर दिया उनको। उन्होंने मांगा 2000 रुपए था। तो फाइनली जो काम कुछ इस तरीके से, आप क्लिप उनकी देख जाएंगे आपको वीडियो के अंदर भी, सामने मैंने चला रखी है। तो अब इन्होंने एक बैंड पाइप इंस्टॉल कर दिया है, तो वो क्या हो रहा है, अपने कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल टच नहीं कर रहे, तो आप तेज स्पीड में चलाओ, जो कम स्पीड में चलाओ, कोई टेंशन नहीं है और कोई अड़ने बिड़ने की कोई दिक्कत नहीं रही। तो स्टार्टिंग में बड़ा परेशान रहा, एंड में आके मतलब फाइनली टेंशन फ्री हो गया मैं। तो ये पुराने वाली बैंड पाइप है जो जयपुर में लगी हुई थी, और अब आपको दिख रही होगी शेप, मैं आपको दिखा देता हूँ, डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ अपनी उंगली से। तो इतनी सी बैंड थी सिर्फ ये, और अपना जो कनेक्टिंग रॉड थी वो इस जगह थी, सेंटर में नहीं थी, यहाँ थी इसके, तो वो टच होती ही होती थी, मतलब इस जगह थी, इस जगह पे तो टच होती होती थी। अब जो प्रॉपर बैंड पाइप है वो कुछ इस तरीके से कि ऐसे आके और इतना ऊपर जाके और फिर इस तरीके से जा रही है, तो उसमें क्या अपने प्रॉपरली मूवमेंट के लिए पूरी जगह मिल रही है, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी, अपना हर चीज काम कर रही है, कोई टेंशन नहीं हो रही। और अब मैंने क्या पूरा टेस्टिंग वगैरह ढंग से किया, प्रॉपर 5 बंदे बिठाए गाड़ी के अंदर, और पीछे लगेज भी पूरा भर दिया था, तो भी कुछ कहीं पे टच नहीं हो रहा। जैसे कंपनी से गाड़ी आती है अपनी और कोई आवाज नहीं आती, सेम वैसा सीन हो गया, बिल्कुल बढ़िया, मतलब काम हो गया। तो ये सेकंड चीज भी कोई टेंशन वाली चीज रही नहीं है अपनी। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आप इस चीज से जो सबक ले लो कि अगर आप काम करवाते हो या दिल्ली या मतलब जैसे दिल्ली जैसी जगह से करवाते हो, तो उनको पता है प्रॉपर पहले से कैसे करना है। और अगर आप किसी नई गाड़ी में काम करवाते हो, जैसे नेक्सॉन बहुत लोगों के लिए नई होती है एग्जॉस्ट के मामले के अंदर, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने नेक्सॉन में अभी तक काम करवाया है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो इस चीज सबक लेना कि ऐसी कोई चीज आप पहले लगवाते टाइम पे चेक कर लो कि बंदा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और उसी से पहले कंफर्म कर लो, मेरी तरह बाद में अटकने वाला काम ना रहे, पैसा भी लग जाता है, फिर परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है। और एक पॉइंट और जो इंक्लूड करना चाहता हूँ, जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि गाड़ी के माइलेज पे क्या फर्क पड़ा, क्योंकि माइलेज पे अगर मैं बात करता हूँ कि नॉर्मल ड्राइविंग की, तो माइलेज में कोई डिफरेंस नहीं है, बट क्योंकि आप एग्जॉस्ट ऑन करते हो तो हल्की सी आवाज लाउड होती है, तो उस चक्कर में आप क्या करते हो, डाउन गियर करते हो, मतलब जैसे जहाँ पे आपको थर्ड गियर में चलानी होती है गाड़ी, वहाँ पे आप सेकंड गियर करते हो, आरपीएम ज्यादा रखते हो, और आरपीएम ज्यादा रखते हो आप, तो आरपीएम ज्यादा रखोगे उतनी जितनी ज्यादा आरपीएम होगी उतनी ज्यादा लाउड आपकी आवाज रहेगी गाड़ी की। तो इस वजह से जो गाड़ी का माइलेज है वो हल्का सा ड्रॉप हो गया है, हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन में ड्रॉप हुआ होने को, बट वो मतलब मैनेजेबल है, क्योंकि आपको उतना मजा आता है तो आपको टेंशन रहती नहीं माइलेज की। सेकंड चीज पावर की, जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि पावर में क्या डिफरेंस है, तो पावर में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि भाई बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस आगे, मैं पहले गियर में पहले 50 जाती थी अब 100 जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको पावर के अंदर फील दिखेगा अगर आप लगवाते हो अपनी गाड़ी के अंदर। मुझे पावर में हल्का सा डिफरेंस लगा है, और हर गियर के अंदर लगा है, और मतलब ये नहीं कि आप इनिशियल में लगाए, वो जब मैं गाड़ी भगाता हूँ, चाहे वो इनिशियल टॉर्क हो, चाहे वो बीच वाले जो आरपीएम वाले, जहाँ पे अपने को टर्बो की पावर मिलती है वहाँ की हो, वो एक छोटा सा डिफरेंस अपने को एग्जॉस्ट खोलने के बाद में देखने को मिलता है। तो अपन परफॉर्मेंस में हल्का छोटा मोटा काम और करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और आने वाला एक दो वीडियो जहाँ तक है 2-4 दिन में वो वीडियो आपको देखने मिल जाएगा एक छोटी सी अपग्रेड के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो मतलब और कोई क्वेश्चन आपको एग्जॉस्ट के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना। मेरी एग्जॉस्ट की वीडियो जितनी भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आपको देखनी है फिर से या आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप, तो उनको आप चेक कर सकते हो वहाँ पे जाके। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए हमको जाके, RCPC राइट, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको, और क्वेश्चन आप जाके डायरेक्ट हमको DM कर सकते हैं वहाँ पे, और सब्सक्राइब करना चैनल को। और क्या बोलते हैं लास्ट में, थैंक यू।